तो हेलो गाइस, तो गाइस मैं अभी आया हूँ नोएडा से और प्रेरणा की तबीयत ख़राब है। इसे क्या हुआ? अब भी तबीयत ठीक ना है? तो गाइस इसकी ना मतलब कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी इसने बस राख ही मनाई ली, 2 दिन हो गए इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर अब देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट रिपोर्ट लेके गई है मम्मी, मैं उस मम्मी को छोड़ कर आया था हॉस्पिटल। अब मम्मी आके बताएगी कि क्या हुआ है। तो आ गई मम्मी, तो गाइस मम्मी भी आ गई। क्या हुआ, क्या बोल रहे थे वो हॉस्पिटल वाले? पानी लाओ। रिपोर्ट दिखाई आदमी उनको, लोग लोग के चक्कर में मत रहो, मैं दिमाग बहुत टेंशन में हूँ। क्या क्या हुआ, क्या क्या बोल रहे थे वो हॉस्पिटल वाले? एडमिट करने को कह रहे हैं, ज्यादा दिक्कत है, इन्होंने तो मना कर दिया है। ये मना कर रहे हैं? डिवाइन वाले तो मना कर रहे हैं कि डॉक्टर है ना अभी, और जो है हमारी समस्या बढ़ा रहे हैं। टेस्ट लिख दिए दो चार, उन्हें करवा के लाओ जाके टेस्टों को। केस हैंडल करने को मना कर रहे हैं? क्यों, ऐसे क्या बात होगी, इसको इतनी कैसे प्रॉब्लम होगी एकदम जो वो मना कर रहे हैं? जा रही है दूसरे डॉक्टर के, जा रही हूँ, एक किसी का तो नंबर दिया दिवाई है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना भी सीरियस केस थोड़ी है, मना ही कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट आनी है शाम तक, उसके बाद पता पड़ेगी कैसे क्या है, पर ये मना कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसके ही बीमारी ना खत्म होती, पता ना 4 महीने सही भी रहती, इसके ही हाय पड़ रही है या नजर लग रही है, क्या हो रहा है इसके पता ना। कैसे होगी लड़की, मरेगी कि जिएगी पता ना, कैसे होगी मरेगी क्यों जिएगी? फिर हर तीसरे महीने इसके यही बीमारी, हर तीसरे महीने। मैं ये जूस लेकर आया हूँ मगर उसे मैं पी रहा हूँ क्योंकि प्रेरणा ने आधा पिया, आधा मैं पी रहा हूँ। गाइस प्रेरणा ने आधा भी नहीं पिया क्योंकि ये फ्री का लेके आया और बहुत गंदा जूस वाले। अगर तुम मेरा व्लॉग देखते होगे ना तो ध्यान रखियो, अगली बार फ्री लेकर आऊंगा। कभी पौने सा जूस, अरे रुकता सही, पौने सा जूस बना कर दिया तेने, ठीक है, अगली बार फ्री का गिलास लेकर आऊंगा। अब अगर पैसा देकर आया हूँ लगा तो जी, लो ना ले जूस, ले ले गंदा ले ले यहाँ जो दे दूंगा। गुड मॉर्निंग पहले तो, और मैं जा रहा हूँ, 10 बज रही है नीचे हॉस्पिटल लेकर, क्योंकि पता नहीं कल मम्मी ने बताई ना कुछ, डिवाइन वाले ने तो मना कर दी कि वो केस हम हैंडल नहीं कर सकते। और बाकी अब दूसरे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वहाँ कल डेट रहता है, मैं और मम्मी और निशी जाएंगे। अभी 10:30 बजे का टाइम दे रखा है, तो मैं घर से निकल गया हूँ, 9:30 बस, कुछ खाया पिया भी ना, अभी उठा है एकदम, खुली वाली मैं निशी लेके जानी है, तो मैं जा रहा हूँ घर। तो भाई यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, वो खड़ी हमारी गाड़ी, तो मैं अब जा रहा हूँ अंदर हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल जगह ना, यहाँ से छुट्टी है, मैं चल करता हूँ। क्योंकि यहाँ देखो लाइन से गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, वैसे हाँ है कि जगह नहीं ले आता हूँ गाड़ी। तो भाई अभी प्रेरणा को पता नहीं दवाई हवाई दी है तो इसका जलन हो रही है। स्प्रेड लगा, इंजेक्शन लग रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी। तो गाइस अभी अंदर जा रही है, अभी देखा इसके कितनी चीख निकल रही है, इंजेक्शन लगा था इसके इतनी चिल्ला हुई कि इंजेक्शन के हमारा पागल मम्मी बार बार झांक रही है क्योंकि वो रो रही है, अंदर दर्द हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा, इंजेक्शन दे रहे हैं ना उसको, तो इसलिए बार बार मम्मी परेशान हो रही है। आ चुकी है
ऑपरेशन हुआ है इसका, और पता नहीं ये अभी नशे में है, इसको नशे के इंजेक्शन लगे तो पता नहीं कुछ भी बोल रही है, क्या क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी नशे में भी दिखा दो अरे गुन्नू ने, उसने लोन ने लेटरिंग कर दी, अब वो गुन्नू धो नहीं पा रही। मैं धोया हूँ, मैं धोया हूँ, मैं ना जाऊँ, मैं धो के आ जाता हूँ ना गुन्नू नोना। अरे बाइक से साफ कर देना यार। अरे नहीं घर पे, यहाँ पे वजीराबाद, मैं लाली की लेटरिंग धो के आ जाता हूँ। अरे वो तो पूरी सनी पड़ी है, रुक मैं पापा को बोलती हूँ। ऋषि तो के पापा जल्दी घर चले जाओ, आपसे बोला था ना थोड़ा समय नहीं। अरे नोना ने ना पोटी कर दी और उसे पाने पकड़ी बैठी है, उससे हो नहीं रहा। सो गई नहीं सी? नहीं हो रही उसे। अरे वाइफ से थोड़ी बोल, जूस ले गो? नहीं पी रहा मैं, नहीं पी रहा। अरे दूसरे दूसरे के बच्चे की थोड़ी करता है कोई। कुछ खाने को लो, घूमने चलो कहाँ पे जाएगी? हाँ निकली अभी पर बेहोश है। अमेरिका? तो गाइस निशी बोल रही है मैं अमेरिका जाऊंगी घूमने, अभी भी उसमें है ना नसीब है। अमृतसर चले अमेरिका? अमेरिका बेटा मुझे ले जाएगी, मैं कहीं भी ना गई कभी। हाँ तो कैसे जाएंगे फिर, रेल से जहाज से? प्लेन से। देख ले इसे तू अमेरिका ले जाएगी सही, मुझे नहीं पता कि भाई। मैं तो सोच रहा हूँ बुग्गी वैसे पे जाएगी, रेल जाती नहीं वहाँ। बुग्गी वैसे जाते हैं वहाँ? बहुत पैसा कमाऊंगी, दो ही इंसान मेरी जिंदगी में ठीक है। कौन? पहले मैं जाना बिहार पापा से करती थी, मम्मी से करती हूँ। मम्मी और तुझे ले आऊंगी बस। मम्मी को और मुझे लेके जाएगी? ठीक नहीं है, तू भी कभी इंगेजिंग हो जा। नोना भी तो जाएगी नीचे, नोना भी तो लेके जाएगी। मैं नोना हाँ उसकी तो टिकट वही है ना, नहीं चलेंगे। अब बुग्गी वैसे में चलेंगे हवा लेते हुए, ठीक है? जाते हैं वहाँ बुग्गी वैसे? मैं अभी तक गई नहीं तो मुझे क्या पता। चल अब के चलेंगे, ठीक है? उसी में रख लेंगे अपना खाने पीने का सामान बुग्गी में, और अपना चलते रहेंगे, खाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। छोटा की बैठ के रख लो, मम्मी की रेसिपी भी और बनाते। हाँ पता नहीं मम्मी किस खुश रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं कमाती होती ना उस टाइम तो मैं आपको दे देती। तो फिर तू कितना चुरा ले रही थोड़े घने? जब नोटबंदी हुई थी मैं जब चुराती थी, जब मम्मी देती नहीं थी, बोलती रहती थी वहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये थोड़ी बताती थी मम्मी के साथ जाना है। फिर जब नहीं मानती थी ना मैं कहती थी रोज रहते चुरा ले। मोटे सबसे मोटे पैसे कितने चुराए थे? सबसे मोटे एक बार चुराए थे आपके के, उसकी किस्त के 2200। अच्छा वो 10,000 मतलब तैने नहीं चुराए? नहीं नए नोट थे 100-100 के, पूरी सील बंद बैंक के। मैं जोड़ रहा शायद मुझे भी दिए थे नहीं सी, तूने मुझे एक बार चोरी करके। हाँ तुझे ही तो देते हैं, चक्कर में तो चोर बनी थी मैं, वरना आज तक मैंने अपने घर चोरी नहीं करी। करी तो थी पहले भी बहुत। ये देखा 500 का नोट कल गए झपट्टे मारे बाप की तरह, पैसा बहुत प्यारा है वो 500 का नोट एकदम झपट लिए। हरकत पम्मी वाली है उसमें। और खाने को देख के भूख लांडा बना, कैसे करे कैसे ये करे। अब घर चले क्या? घूमने चले, घर चलना है। मैं चल लो पहले यार, खाने कमा में दे कमा दे दो ना। पैरों में दर्द हो रहा है, दबाऊं? नहीं नहीं। अच्छा तो फिर अब करवा चौथ का क्या प्लान है? करवा चौथ पे क्या लेगी तू? लहंगा और 14। अच्छा 14। तेरी लंबी उम्र की अगर तू चाहता है वरना भी। ट्रेन की छुट्टी होगी है, हम जा रहे हैं घर। ट्रेन ले रही नशे की हालत में बड़बड़ाती है। हेलो गाइस बोल बोल। हां क्यों तेरा व्लॉग बना रहा हूँ मैं?
गाइस की वजह से तबीयत खराब हो गई। तो आपको प्रेरणा के ब्लॉग में ही बताना पड़ेगा फिर कि व्यूअर्स की वजह से हुई है तबीयत खराब, मम्मी की वजह से या फिर इसकी खुद की वजह से, कमेंट करके बिल्कुल सारे बताओ। निशी प्रेरणा ठीक हो जाएगी तो बताएगी कि किस वजह से हुई है। हाँ। है ना निशी, फिर अमेरिका चलेंगे हैं? अभी चले हम गाड़ी से नहीं चले, कोई ना गाड़ी से चल लेंगे। मैप में नहीं आएगा बुग्गी, वैसे से भी तो जा रही थी तू प्लेन से, फिर हम भी ले चलिए। ठीक है, साथ करते हैं व्लॉग का एंड, और अगला व्लॉग आएगा कशिश के चैनल पर। और नोना देखो कैसा खेल रही है, खेल रही है कि मेरे हाथ तोड़ रही है, देख देख। और इवनिंग सी सो रही है। तो चलो गाइस बाय बाय, जय बाबा की। बाय बाय करिए नोना, बाय बाय गाइस, जय बाबा की। मेरे कंधे तोड़ दे।